हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा सचिन तेंदुलकर पर बनी बायोग्राफी के बारे में, यानी कि जो फिल्म है उसके बारे में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इस फिल्म का नाम है सचिन ए बिलियन ड्रीम्स, जो आज रिलीज हुई है। और कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताता हूँ। लगभग 2 घंटे के आसपास की ये फिल्म है। और इस फिल्म की जो इम्पोर्टेंट बात है बताने वाला, वो है इसका स्क्रीन काउंट और इसके प्रेडिक्शंस के बारे में। जी हाँ, प्रेडिक्शंस के बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन प्रेडिक्शंस मेरी जो सोच थी, मेरी जो समझ थी, उससे ज्यादा है। क्योंकि स्क्रीन काउंट जो मैंने कहा था उस टाइम पे, जो लगभग आका जा रहा था 1200 से 1300, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिल्म 2400 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी इंडिया में, और 400 स्क्रीन्स जो होंगे वो आउट ऑफ इंडिया के होंगे, यानी कि ओवरसीज मार्केट में। तो जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड रिलीज हुई थी 2500 स्क्रीन्स पे, से उसी तरह से ये भी फिल्म रिलीज होने वाली 2400 स्क्रीन्स पे, यानी कि सिर्फ 100 स्क्रीन्स कम है। तो अगर हाफ गर्लफ्रेंड अगर कमाती है फर्स्ट डे में 10 करोड़, दूसरे दिन 10 करोड़, तीसरे दिन 10 करोड़, तो इसका मतलब साफ है सचिन बिलियन ड्रीम का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन होगा, जो मैंने प्रेडिक्शंस आपको किया था पहले 2 से 3 करोड़ के आसपास का, वो आप पकड़ के बिल्कुल मत चलिए। फिल्म को रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आ रहा है, सेलिब्रिटीज तारीफ कर रहे हैं, क्रिटिक्स तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वंस अपॉन ए लाइफ टाइम वाली फिल्म है, और सब देखें कहीं ना कहीं, क्योंकि सचिन दुनिया भर में फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंडिया में तो भगवान भी कहा जाता है उन्हें क्रिकेट का। तो इस फिल्म का कलेक्शन से वैसे तो कुछ मायना होना नहीं है, सचिन खुद नहीं चाहते कि कलेक्शन ज्यादा, वो सब आई थिंक वो ये सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, उन्हें अच्छी लगे, उन्हें सीखने को मिले। तो मैं आपको बता दूं इसके कलेक्शन का प्रेडिक्शन फर्स्ट डे का कितना हो सकता है। मेरे हिसाब से अब इसका कलेक्शन अब जाके मैं कहूंगा 10 से 13 करोड़। मैं थोड़ा सा गैप ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन 10 से 13 करोड़ के बीच में पहले दिन का कलेक्शन होगा, ये आप मान के चलिए, जहां तक मुझे ऐसा फील हो रहा है, फील गुड फैक्टर आ रहा है मुझे। और उसके बाद और वीकेंड तक का कलेक्शन जाके इसका हो जाएगा आराम से 40 करोड़। देखते हैं कितना इस बार मेरा प्रेडिक्शंस काम करता है। आपको क्या लगता है कहां तक इसके कलेक्शंस होंगे? क्योंकि इस फिल्म का ज़्यादा प्रमोशंस नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया, लेकिन ये फिल्म सबसे इम्पॉर्टेंट है इस साल की। और कहीं ना कहीं ये बाकी फिल्मों से हटके है, जैसे एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जैसे अजहर थी, वो सब मेन स्ट्रीम फिल्म थे, एकदम फीचर फिल्म जैसी थी, लेकिन ये फिल्म प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाई गई है जेम्स एरस्किन द्वारा, जिन्होंने जिनको एक बार नॉमिनेशन भी मिला था आई थिंक एमी अवार्ड्स में। तो देखते हैं किस तरह से और कमाल करती है। आपको क्या लगता है कहां तक कलेक्शन जाएगा इसके प्रेडिक्शन का, आप जरूर बता सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस नहीं देखने को मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह से अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे। चलिए बाय बाय।